हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं मेल चौधरी, आप देख रहे हैं एसयू ट्यूटोरियल। स्वागत है एक बार फिर से। एडवर्ब का एक सीरीज स्टार्ट किया था, एडवर्ब पार्ट फर्स्ट से लेकर पार्ट एट तक आप पढ़ भी चुके हैं। चैनल पर आपको लिंक उपलब्ध हो जाएगा, प्लेलिस्ट उपलब्ध हो जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ढूंढ सकते हैं टेलीग्राम लिंक, जहाँ आपको इसके पूरे नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे। बच्चे, मैंने जो स्टार्ट किया है एडवर्ब का पार्ट, पार्ट फर्स्ट में आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, सेकेंड में एक्सरसाइज, थर्ड में फिर आपको कॉन्सेप्ट, फोर्थ में फिर एक्सरसाइज। इसी प्रकार से अपन ने 8 पार्ट्स इसके पूरे कर लिए हैं। आज की क्लास में अपन पार्ट 9th में डिस्कस करेंगे कुछ इसके और अदर इम्पोर्टेंट फीचर्स। आइए जरा देखो, सबसे पहले मैं उस एडवर्ब के सबसे कॉन्ट्रोवर्सियल कॉन्सेप्ट्स को उठाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे एडवर्ब में ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो काफी कॉन्ट्रोवर्सियल हैं, टीचर्स केवल एक उसका एक व्यू डिस्कस कर देते हैं, बच्चे एग्जामिनेशन में वहां गलती कर देते हैं। आइए मैं यहां बताता हूं आप किस तरह की गलतियां करते हैं। पहले देखिए, आप ब्लैक बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कुछ वर्ब्स ऐसी हैं आपके पास है, जिनके बाद एज का प्रयोग होता है, एक एडवर्ब एज का प्रयोग होता है। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, इलेक्टेड, नेम्ड, कॉल्ड, अपॉइंटेड, चूज, कंसिडर्ड एंड मेक, ये सारी की सारी वर्ड वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद आप एज का प्रयोग नहीं करते हैं। जबकि ये कुछ खास वर्ब्स ऐसी हैं, रिगार्डेड, डिस्क्राइब्ड, डिफाइंड, ट्रीटेड, व्यूड एज और नॉन एज, रे, दे, टीवी का और लास्ट में रिमोट लिख देना, ठीक है ना। तो रे, दे, टीवी का रिमोट, इस हिसाब से आप इन केवल इन्हीं वर्ड्स को याद कर लीजिए, इनसे आपका एग्जामिनेशन में काम बन जाता है। अब आप पूछेंगे कि सर कंफ्यूजन कैसा है, फिर ये तो एक सीधा साधा रूल है। बेटा, कंफ्यूजन है इस वर्ब को लेकर, इस वर्ब के अलग अलग अर्थ होते हैं और अलग अलग अर्थ से कंफ्यूजन पैदा होता है। आइए जरा बात करते हैं किस तरह के अर्थ निकलते हैं। आओ जरा पहला एग्जांपल लेते हैं अपन। मैंने लिखा, हर पेरेंट्स ऑलवेज रिगार्ड हर, उसके माता पिता समझते हैं उस लड़की को एज द स्मार्टेस्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन, जो खुद के बच्चे हैं उनमें सबसे स्मार्टेस्ट, कि हमारी बच्ची इन हमारे बच्चों में सबसे स्मार्ट है। तो भैया, रिगार्ड का मतलब जब अंडरस्टैंड हो, रिगार्ड ए समवन ए और ए समथिंग, उसके बाद लिखा जाता है एज और फिर लिखा जाता है समवन और समथिंग, यानी जब अर्थ आपका बच्चे निकल कर आता है अंडरस्टैंडिंग, या अंडरस्टैंड करना समझना, किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज की तरह समझना, जैसे वो अपने बच्चों को स्मार्ट ही समझते हैं दूसरे बच्चों की तुलना में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रिगार्ड का अर्थ यहां समझना निकल कर आ रहा है। जब रिगार्ड का अर्थ समझना निकल कर आ रहा है, तो इसके बाद पहले संबन और समथिंग लिखेंगे, उसके बाद एज का प्रयोग करेंगे, फिर वापस से संबन और समथिंग लिखेंगे। जैसे आइए मैं लिखूं, ही रिगार्ड्स हिमसेल्फ, वह समझता है किसको, खुद को। क्या समझता है भैया, देशभक्त समझता है, ठीक है। पेट्रियट का मतलब होता है बच्चे देशभक्त। तो देखो, रिगार्ड, संबन, एज, समवन, ठीक है ना, समथिंग। तो क्या लिखेंगे, ही रिगार्ड्स हिमसेल्फ एज ए पेट्रियट, ठीक है। लेकिन ये तो एक फेवर हुआ भैया इसका। दूसरा देखिए जरा, ही इज जनरली रिगार्डेड, उसको जनरली और यूजुअली वर्ड के बाद जब रिगार्डेड लिखा हो, यानी उसको समझा जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है एज किसकी तरह भैया, समथिंग, द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कि उसे इंटरनेशनल लॉ का फादर समझा जाता है, ठीक है। फिर अर्थ आपका समझना निकल कर आ रहा है, तो फिर आपने किसका प्रयोग कर लिया, एज का। लेकिन देखो यहां कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं भैया, ही रिगार्ड, रिगार्ड से, ही रिगार्ड, सॉरी रिगार्डेड है क्या, ही रिगार्डेड माय फादर सस्पिशियसली, यानी उसने मेरे पिता की तरफ देखा सस्पिशियसली, यानी आपको जो मैं कहूं कि सकभरी निगाहों से देखा, ठीक है। तो देखो, दूसरा फेवर इसका ये निकल कर आता है, रिगार्ड ए समथिंग ए फेवरेबली फेवरेबली, या फिर अनफेवरेबली, जब किसी चीज को फेवरेबली या अनफेवरेबली ट्रीट किया जाता है, उसकी तरफ देखा जाता है, लुकेट किया जाता है बच्चे, तो ऐसी कंडीशन में भैया आप माय फादर से पहले तो देखो कभी भी लगाना नहीं है, रिगार्ड के बाद पहले समवन और समथिंग लिखा जाएगा, यहां एज का प्रयोग मत कर देना आप कभी भी, ही रिगार्डेड एज माय फादर मत लिख देना कभी भी,
ठीक है ना, ये इसका कॉन्ट्रोवर्सियल पहलू है बच्चे, ठीक है। ही रिगार्डेड माई फादर सस्पिशियसली, इसका अर्थ है लुक एट, किसी की तरफ देखना। तो यहाँ आप कभी भी एज का प्रयोग गलती से भी नहीं करें, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एग्जामिनेशन में रिगार्ड वर्ब दिख जाए और दिखते ही आपको सबसे पहले ये समझना, हाँ रिगार्ड आ गया इसका मतलब एज आएगा, ऐसे मिसकंसेप्शंस आपको माइंड में नहीं पालने हैं बच्चे। अगर आप ऐसे मिसकंसेप्शंस के साथ आगे बढ़ोगे तो एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से गलती करोगे, ठीक है। तो इस चीज से बच के रहना सबसे पहले। तो दूसरा है रिगार्ड समवन या समथिंग है फेवरेबली और अनफेवरेबली, यहाँ सस्पिशियसली देखा है यानी अनफेवरेबली देखा है। वैसे देखो इस एग्जाम्पल में, He regards the political process. वो political process को किस तरह देखता है भैया, with disdain. Disdain का अर्थ है भैया तिरस्कारपूर्ण ढंग से, ये with disdain के साथ फिर एक adverb बन रही है जिसका अर्थ फिर हो रहा है unfavorably देख रहा है। तो यहाँ आप फिर कहीं इन शब्दों के बाद एज का प्रयोग करने नहीं जाएं। ये सबसे पहले रिगार्ड का कॉन्सेप्ट था भैया, जो काफी कॉन्ट्रोवर्सियल कॉन्सेप्ट यहाँ से बनकर आता है, मैंने उसकी बात की है अभी, ठीक है। चलो जी, अब देखो बोर्ड पे लिखे गए वर्ड्स को एक बार फिर से देख लीजिए। इलेक्टेड, नेम्ड, कॉल्ड, अपॉइंटेड, चूज, कंसिडर्ड और मेक के बाद कभी भी किसका प्रयोग नहीं करें बच्चे, एज का प्रयोग नहीं करें। जबकि डिस्क्राइब्ड, डिफाइंड, ट्रीटेड, व्यूड और नॉन, इन शब्दों के बाद किसका प्रयोग करना है आपको, एज का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी मैं कुछ और एग्जाम्पल्स लूंगा जहां आपको इस तरह की एरर्स मिलेंगी, ठीक है। वो ग्लव्स दे दो मुझे, उसको मजा में ले लूंगा। चलो बच्चे, आपने समझा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, रिगार्ड के बाद कब एज का प्रयोग करना है कब नहीं करना है, ठीक है। फिलहाल इन वर्ब्स को मैं आपके लिए सहेज कर रख लेता हूं, आप देखते रहे, मैं तब तक कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। मैं लिख रहा हूं पहला एग्जांपल रिगार्ड के साथ, आप बताओगे एज का प्रयोग होगा या नहीं होगा। मैंने लिखा ही इज ए, ही रिगार्ड से हर एज ए सिस्टर। बोलो फटाफट से, करोगे या नहीं करोगे, आंसर देके बताइए मुझे फटाफट से, करेंगे या नहीं करेंगे। द टीचर ए कॉल्ड हिम एज ए स्टूपिड, करेंगे या नहीं करेंगे। द प्रिंसिपल ए अपॉइंटेड हिम एज प्रोफेसर, biology is a defined as a the study of a living organisms। फटाफट से देखिए और बताइए कौन कौन से एग्जाम्पल सही है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स गलत कोट किए गए हैं। फटाफट से देख के बताइए मुझे जितना जल्दी हो सके, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे फिर। I don't consider it as my duty एक एग्जाम्पल मैं यहां ले लेता हूं। He is considered as the बेस्ट सेफ ऑफ द होटल, ही इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट सेफ
ऑफ द होटल। कैसे सही करेंगे इन सेंटेंसेस को वो देख के बताइए, सही लिखे हैं या गलत। आ जाइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं बच्चों। मैंने लिखा ही रिगार्ड्स, वो मानता है किसको, समवन या समथिंग, एज किसकी तरह मानता है, बहन की तरह मानता है, तो बहन की तरह मानता है, समझता है, तो फिर अर्थ रिगार्ड का अर्थ समझना आ रहा है, तो यहां समवन और फिर समथिंग लिखा हुआ है, तो एज का प्रयोग बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, द टीचर कॉल्ड हिम एज स्टूपिड, टीचर ने उसको पुकारा भैया स्टूपिड कहकर। देखो बच्चे मैं पहले कह रहा हूं इन वर्ब्स के बाद खास ध्यान रखना है, इस वर्ब के बाद जो यहां लिखा हुआ होता है बच्चे वो इसका ऑब्जेक्ट मॉडिफायर होता है बच्चे, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट मॉडिफायर के बीच में इस तरह के वर्ड्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ही स्टूपिड है, स्टूपिड ही है, इसको इस तरह से समझिए, दो ऑब्जेक्ट नहीं है ये, ठीक है ना। तो यहाँ ये ध्यान रखना आपको कि इसके बाद इस ऑब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट है स्टूपिड, इसलिए यहाँ एज का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज प्रोफेसर, ही प्रोफेसर है, प्रोफेसर ही है, यानी हिम का कॉम्प्लीमेंट है प्रोफेसर, एज का प्रयोग नहीं करेंगे। ये जितनी भी वर्ब्स लिखी गई हैं इनके बाद इनके कॉम्प्लीमेंट लिखे जाते हैं ऑब्जेक्ट के। जैसे मैंने लिखा बायोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, बायोलॉजी को माना जाता है स्टडी किसकी भैया, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो देखो स्टडी ही ऑर्गेनिज्म नहीं है ना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये वर्ब्स है इनमें से भैया डिफाइंड, रे दे दे टीवी का रिमोट, डिफाइंड लिखा हुआ है, इसके बाद आवश्यक रूप से एज का प्रयोग करना पड़ेगा डिफाइंड एज, तो ये एग्जाम्पल आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आई डोंट कंसिडर इट एज माई ड्यूटी, मैं इसे भैया अपनी ड्यूटी नहीं समझता हूँ, ठीक है, तो आई डोंट कंसिडर, कंसिडर के बाद इट लिखा है, कंसिडर इट ही ड्यूटी है, ड्यूटी ही इट है, ऐसा नहीं है भैया, आई डोंट कंसिडर इट ए माई ड्यूटी, कंसिडर के बाद आप किसका प्रयोग नहीं करेंगे बच्चे, एज का, आई डोंट कंसिडर इट माई ड्यूटी। नेक्स्ट देखो जरा, ही इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट सेफ ऑफ द होटल, उसको समझा जाता है भैया कैसे कि इस होटल का सबसे प्रधान सेफ है, रसोईया है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है बच्चे, तो देखो कंसिडर्ड के बाद एज का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ही इज कंसिडर्ड द बेस्ट सेफ ऑफ द होटल, ठीक है ना, ये ही इज कंसिडर्ड टू बी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ही इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट सेफ ऑफ द होटल, ठीक है। तो भैया यहां आपको एक्चुअली टू बी ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये वर्ड कंसिडर का ऑब्जेक्ट नहीं है भैया द बेस्ट सेफ, ठीक है ना, तो यहां आप सीधा नहीं लिख सकते ही इज कंसिडर्ड द बेस्ट सेफ, ठीक है, ही इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट सेफ ऑफ द होटल। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट था एडवर्ब में, जहां आपको सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वर्ब रिगार्ड के साथ, उसको अपन ने डिस्कस किया कि रिगार्ड के बाद समवन एज समथिंग लिखा हुआ हो या रिगार्ड समवन एज समवन लिखा हुआ हो तो ही आप क्या करेंगे बच्चे उसके साथ एज का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज एज का प्रयोग नहीं होता। आप पूछेंगे सर ये इतनी लंबी रामायण क्यों पढ़ाई रिगार्ड को लेकर, तो बच्चे मैं अभी प्रैक्टिस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस डालूंगा जहां आप भाग कर जाएंगे कि सर रिगार्ड के साथ तो एज का प्रयोग होता है, और वहां उस क्वेश्चन को आप गलत कर बैठेंगे, ठीक है ना। तो यहां मैं आपको उस रिगार्ड का दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। एक वर्ड और ध्यान रख लेना, दो फ्रेज होती है भैया के संबंध में के लिए, ये होती है इन रिगार्ड टू या विद रिगार्ड टू, दोनों सही है, इन रिगार्ड टू या विद रिगार्ड टू, इसका मतलब होता है के संबंध में या के जवाब में, के उत्तर में, की रिप्लाई में, इन रिप्लाई टू, ठीक है ना। वैसे रिगार्ड को लेकर आप और भी बहुत सारी चीजें पढ़ चुके होंगे पहले ही कि रिगार्ड एक वर्ब भी होता है भैया और रिगार्ड एक नाउन भी होता है, जब रिगार्ड नाउन होता है तो इसको रिगार्ड्स लिखा जाता है, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड नहीं लिखेंगे, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स लिखेंगे बच्चे, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। नाउन के रूप में आपके अभिवादन के लिए जब प्रयुक्त करेंगे इसको तो बेस्ट रिगार्ड्स लिखेंगे इसको, न कि बेस्ट रिगार्ड लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखना, नाउन के रूप में रिगार्ड को प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है, ठीक है। वैसे रिगार्ड का समझना या किसी का सम्मान करना भी है। चलो ये बात हुई पहले कॉन्सेप्ट की, आपकी इजाजत हो तो मैं चुपके से बढ़ जाता हूं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, आइए जरा। और अगला कॉन्सेप्ट भी कम कॉन्ट्रोवर्सियल नहीं है भैया, इससे तुरंत ही मैं इस कॉन्सेप्ट की आपसे पहचान करवाऊंगा और उसके तुरंत बाद अपन बात करेंगे उसके कॉन्ट्राडिक्शन की, एग्जामिनेशन में आया हुआ एक क्वेश्चन कैसे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर रहा है उसके साथ। आ जाइए, जुड़े रहिए, अंत तक बने रहिए, बहुत खास चीजें देखने को मिलने वाली हैं, अंत तक जुड़े रहिए आप।
इसके बाद केवल एक ही सेशन रहेगा जो रीट के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो थोड़ा सा अलग पैटर्न पूछा जाता है उनके संदर्भ में रहेगा। और यहाँ एसएससी के हिसाब से पहले प्रैक्टिस होंगी, 3 लेवल की प्रैक्टिस रहेंगी, लगभग 50 क्वेश्चंस ईच। तो लगभग लगभग आपका देखा जाए तो 150 के लगभग आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज हो जाएंगी यहाँ से। वहां मैं चीजों को और बेहतर ढंग से क्लियर कर दूंगा आपके लिए। तो एडवर्ब का टॉपिक अगर आप पूरे वीडियो देख लेते हैं तो फिर आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिशन में आने वाला कोई भी क्वेश्चन बच नहीं जाता है। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। देखो बच्चे, मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू आर एडवाइज्ड टू केयरफुली रीड इट। ये एक सेंटेंस लिखा बच्चे, पहचानिए सेंटेंस में किस तरह की आपको कोई एरर नजर आ रही है। मैंने लिखा वी हैव डिसाइडेड टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द एनमी। मैंने लिखा आई वॉन्ट टू कॉन्सेप्चुअली लर्न इंग्लिश ग्रामर सो I will join a astute classes। ये अपनी astute classes है भाई। मैं completely conceptually learn करना चाहता हूँ English grammar को, इसलिए मैं क्या join करूँगा बच्चे, astute classes join करूँगा। आइए जरा देखो, पहले पढ़ना start कीजिए sentence को। You are advised, ये subject हो गया, ये यहाँ passive verb का structure हो गया। You are advised to do what? You are advised to read। ये देखो भैया, एक infinitive है, advised to read। To read एक infinitive था बच्चे। और क्या read करना है? उसके बाद इसका object it था, read verb का। और उसके बाद कैसे पढ़ना है? इसके लिए adverb of manner लिखी गई थी। कुछ ऐसा ही था कि नहीं था? Adverb of manner लिखी गई थी। लेकिन बच्चे आप एक चीज देख रहे हो कि एडवर्ब ऑफ मैनर है वो ऑब्जेक्ट के बाद लिखी जाती है, किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद। लेकिन यहाँ जो ये वर्ड केयरफुली लिखा गया है बेटा, ये टू और रीड के बीच लिखा गया है, यानी एक इन्फिनिटिव को तोड़ दिया गया है। और इस टूटे हुए इन्फिनिटिव को कहा जाता है बच्चे स्प्लिट इन्फिनिटिव। और यहीं से आपका कॉन्सेप्ट निकल कर आता है बच्चे। इंग्लिश ग्रामेरियन ऐसे कहते हैं कि कभी भी इन्फिनिटिव के बीच में अगर आप किसी एडवर्ब का प्रयोग कर देते हैं तो उससे स्प्लिट इन्फिनिटिव का दोष आ जाता है, और स्प्लिट इन्फिनिटिव का दोष इंग्लिश ग्रामर में गलत माना जाता है। ठीक है, तो देखो बच्चे एक बार फिर ध्यान से देखिए, स्प्लिट इन्फिनिटिव का दोष नहीं आना चाहिए। इसलिए क्या करेंगे, जरा इस केयरफुली को उठाएंगे और लिख देंगे सेंटेंस के अंत में। ये सेंटेंस आपका गलत था, सुधार के कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखना। यू आर एडवाइज टू रीड इट केयरफुली। टू के बाद सेंटेंस कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, टू रीड इट केयरफुली, लाइक दिस। ये सही तरीका भैया, ऐसे नहीं लिख सकते थे अपन। ठीक है, अगर बात समझ आ गई हो तो अगले एग्जाम्पल को लिखिए फटाफट से। वी हैव डिसाइडेड टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द एनिमी। चलो, वी हैव डिसाइडेड वॉट, वी हैव डिसाइडेड वॉट, वॉट का आंसर चाहिए। वी हैव डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय, ठीक है, डिस्ट्रॉय लिखा है, वी हैव डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय। चलो, तो यहां लिखना था आपको टू डिस्ट्रॉय होम। ऑब्जेक्ट चाहिए यहां तो भैया, तो किसको, द एनमी। कैसे, कंप्लीटली। तो वी हैव डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय होम द एनमी, कैसे भैया, एडवर्ब ऑफ मैनर, कंप्लीटली। तो क्या लिखना था यहां पे, टू
destroy the enemy completely. To destroy the enemy completely. ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन हो गया. आई वॉन्ट टू कॉन्सेप्चुअली लर्न इंग्लिश ग्रामर. तो यहां देखो बच्चे, फिर इंफिनिटिव का दो सारे हैं, स्प्लिट इंफिनिटिव का. तो आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश ग्रामर और कॉन्सेप्चुअली कहां चला जाएगा बच्चे, ग्रामर के बाद में. सेंटेंस को सही करते हुए बोलना, आई वॉन्ट टू कंसेप्चुअली लर्न इंग्लिश ग्रामर, सो आई विल ज्वाइन एस्ट्यूट क्लासेज. सुधारा, तो आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्चुअली, लाइक दिस. अब बेटा सबसे बड़ी दिक्कत यहां आती है कि ये तो एक किताब का रूल हो गया बेटा, लेकिन जब एग्जामिनेशन क्वेश्चन डालता है तो आपको उसे चारों तरफ से वेरीफाई करके लिखना होता है. आप इसको इस ढंग से नहीं पढ़ सकते हैं जिस ढंग से आपने यहाँ पढ़ा है, यहाँ सीखा है. क्यों क्यों नहीं पढ़ सकते बच्चे? क्योंकि अगर इस ढंग से पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन है वो आवश्यक रूप से गलत हो जाएगा. आइए मैं उठाता हूं उस एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन को, उसके आंसर की बात करते हैं. देखो बच्चे किस तरह आया वो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन और क्या था, मैं ले लेता हूं आपके लिए एज इट इज. वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, जो पूरे के पूरे इस कॉन्सेप्ट को ही उजाड़ गया. किताबों में कुछ ऐसा लिखा था तो फिर क्या किया जाए, इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला जाए उसकी बात थी, उसका क्या इलाज किया जाए. देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, ये था ही अल्टीमेटली डिसाइडेड है टू विलिंगली एंड चीयरफुली एक्सेप्ट. ये आपका बी, द रेस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्टेड टू हिम. ये लो जी धर्म संकट वाली बात तो यहां फंस गई. बच्चे आपको सिखाया तो कुछ इस तरह से था कि स्प्लिट इंफिनिटिव का दोष नहीं आ सकता. ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है जो मैंने एज इट इज लिखा है. चलो आइए बात करते हैं. सबसे पहले वन बाय वन टुकड़ों में देखते हैं, इसको तोड़ते हैं, समझते हैं, चीजों को जानते हैं. आओ जरा, मैंने लिखा ही अल्टीमेटली डिसाइडेड. अल्टीमेटली का अर्थ होता है फाइनली. तो फाइनली यहां इसको जोर डालने के लिए आया है, एम्फेसाइज करने के लिए आया है, इसलिए डिसाइडेड से तुरंत पहले इसका पोजीशन है वो बिल्कुल सही है. ही अल्टीमेटली डिसाइडेड व्हाट, उसने अंततः क्या निर्णय किया भैया कि मैं एक्सेप्ट कर लूं. टू एक्सेप्ट, आप कहोगे सर इन्फिनिटिव था जो ऑब्जेक्ट बन रहा था वो डिसाइडेड का, ठीक है. डिसाइडेड व्हाट, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन रहा था भैया इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट बन सकता है. अब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट बन रहा था, लेकिन आपने कहा सर थोड़ी देर पहले कहा था कि स्प्लिट इन्फिनिटिव का दोष आ जाता है. अच्छा बच्चे स्प्लिट इन्फिनिटिव का दोष आ गया मान लिया, लेकिन एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है. आपके हिसाब से जो आपने अब तक देखा वो यहां होना चाहिए उस विलिंगली और चीयरफुली को, हाँ या ना. और अगर यहां होना चाहिए तो पहले तो मुझे बताइए कि पार्ट बी में एरर करोगे या पार्ट सी में एरर करोगे, दोनों में ही नहीं हो सकती, ठीक है. बात नंबर एक तो ये है. बात नंबर दो, अगर मान लीजिए ऑप्शन आपके पास खुले हो और फिर आप यहां विलिंग खुली और चीर खुली लिख दो तो क्या बात सही होगी, ये पहलू भी जानना कहीं और ज्यादा जरूरी है. आओ जरा देखते हैं क्या कह रहा है भैया. अल्टीमेटली को हटा के सेंटेंस को सॉर्ट कर लेता हूं मैं. ही डिसाइडेड टू एक्सेप्ट क्या, द रेस्पॉन्सिबिलिटी responsibility
अब यहां लिख रहा हूं भैया मैं विलिंगली एंड चेयरफुली इंटरेस्टेड टू हिम, जो उसको सौंपी गई थी भैया एक बार। या फिर कुछ नौजवान ऐसा भी सोचते होंगे कि सर इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा, ही अल्टीमेटली डिसाइडेड विलिंगफुली एंड चेयरफुली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे लिख देते तो कौन सी टांग टूट रही थी। तो नौजवानों जरा बात को संभालो, अगर आप ऐसे लिख देते हैं ही डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी विलिंगफुली एंड चेयरफुली, ऐसे लिख दिया कोई दिक्कत नहीं थी, ये तब तक तो लिख सकते थे भैया जब तक सेंटेंस यहीं तक होता। लेकिन यहां लिखा हुआ इंटरेस्टेड टू हिम, यानी जो उसको सौंपी गई थी। अच्छा, आप अगर यहां लिख दोगे तो ये अर्थ इसके साथ जुड़कर आएगा, यानी जिम्मेदारी जो सौंपी कैसे गई थी, खुशी खुशी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जबकि जिम्मेदारी खुशी खुशी सौंपी गई थी क्या, या उसने खुशी खुशी स्वीकार किया था? जी, खुशी खुशी उसने स्वीकार किया था उस जिम्मेदारी को जो उसे दी गई थी। ठीक है बच्चे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहां जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड आया है उसके लिए ये एडजेक्टिव फ्रेज है, एक्सप्लेनेटरी फ्रेज है ये, इंटरेस्टेड टू हिम। और ध्यान रखिए बच्चे, एक्सप्लेनेटरी फ्रेज हमेशा उसी नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखी जाती है वो जिसके लिए आई होती है। ठीक है, तो एक दूसरा लोचा यहां पर ये आ जाता है। तो ये तो पक्का हो गया कि विलिंगफुली एंड चेयरफुली का ये पोजिशन नहीं रख सकते। फिर क्या करें, ही अल्टीमेटली डिसाइडेड विलिंगफुली एंड चेयरफुली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये वर्ड डिसाइडेड का एडवर्ब ऑफ मैनर बन रहा है, यानी उसने डिसाइड खुशी खुशी किया था, ऐसा तो नहीं है ना। खुशी खुशी तो भैया उसने स्वीकार किया था, तो ये बात भी गलत हो जाती है, ये भी गलत, ये भी गलत, तीसरी कोई लोकेशन नहीं है। तो बच्चे इस प्रकार के सेंटेंसेज में इसको माइनर मानते हुए और दूसरी जगह इसकी नहीं पाते हुए इसको सही माना जाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर अगर इस प्रकार से आ जाए तो माना जाएगा बेटा नो एरर। इसका आंसर क्या करके आएंगे बेटा आप, नो एरर। और ये क्वेश्चन किसी भी ढंग से ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमें मजबूरन तोड़ना ही पड़ेगा एक इन्फिनिटिव को, स्प्लिट करना ही पड़ेगा। तो स्प्लिट इन्फिनिटिव की एरर्स एग्जामिनेशन में काफी कम पूछी जाती हैं, और अगर पूछी भी जाए तो ध्यान रखना वो इस तरह का पैटर्न तो नहीं है जहां इन्फिनिटिव को बाद में लिखने पर उसके साथ आई एक्सप्लेनेटरी फ्रेज का ही कचरा हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आप नो एरर के साथ जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है और इसका आंसर नो एरर आया है, वो इसलिए आया है। अगर कोई ऑब्जेक्शन भी डालना चाहे तो मैं बता दूं कि यहाँ विलिंगफुली और चेयरफुली को मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया, रखने के लिए कोई दूसरी लोकेशन नहीं थी, तो यही सर्वथा उपयुक्त लोकेशन है। इसलिए आंसर जाइए आप नो एरर के साथ। कैसा लगा कॉन्सेप्ट बताना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से। मैं भैया खुद एक कॉम्पिटिशन का टीचर तो हूँ ही, साथ ही साथ एक बड़ा ही कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट भी हूँ मैं। अगर मेरे द्वारा एक्सप्लेन किए हुए कॉन्सेप्ट से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अटक रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से डाल दीजिए उसको, मैं उसको देखूंगा, उसके लिए कोई सुटेबल कॉन्सेप्ट फिर से तैयार किया जाएगा। ठीक है ना, चीज़ों को रटवाने की कोशिश में कभी भी नहीं करता हूँ। आपको एक बार फिर बता देता हूँ, अगर आपको इस प्रकार की कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत आती हो तो आप एक बार मुझे मैसेज करके जरूर बताएं। आओ जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। मैंने लिखा ही वॉज ए वेरी एग्जॉस्टेड आफ्टर ए डे लॉन्ग वर्क, यानी दिन भर के कार्य के बाद वो बहुत ज्यादा थक गया था। बताइए बच्चे किस तरह के एरर सेंटेंस है ये, आपके कॉन्सेप्ट थर्ड है।
दूसरा मैंने लिखा ही वॉज ए कंप्लीटली टायर्ड आफ्टर ए डे लॉन्ग वॉक। चलो फटाफट से दोनों सेंटेंस बोर्ड पे देखिए और एरर निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई एरर मिल जाती है तो मुझे भी तुरंत से ही इन्फॉर्म करने की जरूरत कीजिए। He was very exhausted after the day long walk. थोड़ा सा इसको सुधार लीजिए। After the day long walk, दिन भर के कार्य के बाद after the day long walk phrase होता है। The day long walk, बताओ जरा फटाफट से। देखो बच्चे, पहले तो यहाँ ये वर्ड ग्रामर है बच्चे। पहले समझना होगा एग्जॉस्टेड वर्ड का मतलब क्या है, टायर्ड वर्ड का मतलब क्या है। अगर इन वर्ड्स का मतलब नहीं समझ आया तो फिर इस क्वेश्चन के आंसर तक अपन कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। क्या गड़बड़ है देखो जरा बच्चे, आपका जो एग्जॉस्टेड वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब आपका ये है कि पूरी तरह से थका होना। तो इससे पहले आप कभी भी वेरी जैसे वर्ड यूज नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा थके हुए को एग्जॉस्टेड नहीं कह सकते हैं अपन, ठीक है ना। एक व्यक्ति जो पूरी तरह से थक गया भैया, कंप्लीटली या एब्सोल्यूटली, या उसका जो अटमोस्ट लेवल था जहां तक वो थक सकता था वो पूरा थक गया है, अब वो उठ ही नहीं सकता, ऐसी कंडीशन को एग्जॉस्टेड कह सकते हैं। तो ये वेरी एग्जॉस्टेड कैसे हो सकता है, बहुत ज्यादा थका हुआ नहीं भैया। एग्जॉस्टेड का मतलब ये पूरी तरह से गया काम से, वो उठ नहीं पाएगा, ठीक है, कंप्लीटली या फिर एब्सोल्यूटली। तो यहां अगर आप एग्जॉस्टेड लिख रहे हो तो इससे पहले वेरी वर्ड का यूज नहीं कर सकते आप, आपको या तो लिखना पड़ेगा एब्सोल्यूटली या कंप्लीटली। वैसे ही जो थकावा होता है आपका वो कंप्लीटली नहीं होता कभी भी, कंप्लीटली हुआ तो फिर वो एग्जॉस्टेड ही बोलेंगे उसको, ठीक है। तो यहां आपको टायर्ड के साथ जाते हो तो यहां टायर्ड के साथ आप वेरी वर्ड का यूज करो, बहुत ज्यादा थके हुए के लिए, ठीक है। तो क्या लिखोगे, कंप्लीटली टायर्ड नहीं लिख पाएंगे भैया, यहां लिखना पड़ेगा अपने को वेरी टायर्ड। समझ आ गई होगी बात, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है ऐसा थका होना कि बाद में वापस वो उठ ही नहीं पाएगा, ठीक है। चलो जी, चलो बात करते हैं, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ जाते हैं भाई और नया कॉन्सेप्ट लेते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर फोर्थ पे बढ़ जाते हैं। आओ जरा, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर फोर्थ में। मैंने कहा एक सेंटेंस लिखा मैंने कॉन्सेप्ट नंबर फोर्थ में, मैंने लिखा बोथ ऑफ दीज कार से आर ए नॉट ए वेरी इकोनॉमिकल, कि भैया जो दोनों ही कार हैं वो बहुत ही कम माइलेज देती हैं, पेट्रोल बहुत ज्यादा खाती हैं और दोनों ही कार हैं वो इकोनॉमिकल नहीं है। सेंटेंस देखिए फटाफट से, मुझे बताने की कोशिश कीजिए कि क्या एरर है सेंटेंस में। अब देखो बच्चे, एक बात ध्यान रखना, मैं कहूं कि दोनों कार हैं वो इकोनॉमिकल नहीं है, मैं कहूं कि दोनों ही बच्चे आज स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसकी बजाय मुझे ये कहना उचित प्रतीत होता है कि दोनों में से कोई सा भी बच्चा आज स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है। तो बोथ का प्रयोग केवल पॉजिटिव सेंस में ही किया जा सकता है, नेगेटिव सेंस में इसका एक भाई रहता है जो नाइदर कहलाता है, ठीक है। और किस तरह से लिखेंगे इस सेंटेंस को सुधार कर, देखो जरा, आपने ये पढ़ा कि बोथ के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है, क्यों नहीं होता है बच्चे, क्यों, क्योंकि दोनों ही कार हैं वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं है, ऐसा नहीं कहा जाता। जबकि ऐसा कहा जाता है कि दोनों में से कोई सी कार भी ऐसी नहीं है जो इकोनॉमिकल हो, ठीक है। तो क्या कहेंगे बच्चे, नाइदर ए ऑफ ए दीज कार्स, बोथ ऑफ दीज कार्स नहीं भैया, बोथ ऑफ द कार्स लिखो, इसको ज्यादा बेटर रहेगा, बोथ ऑफ द कार्स आर नॉट वेरी इकोनॉमिकल। तो नाइदर ऑफ ए द कार से, यानी इन कार्स में से कोई सी भी नहीं, अब आपका इज लिखा जाता है, इज ए नॉट वेरी इकोनॉमिकल,
या तो इसको इस तरह से लिखिए, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नाइदर कार, नाइदर कार लिख रहे हैं मतलब दो ही कार की बात हो रही है, नाइदर कार इज ए वेरी इकोनॉमिकल। मैं किसी सेपरेट सेक्शन में आपको आइदर, नाइदर, बोथ, ऑल इन सब का प्रयोग पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रख लीजिए कि बोथ वाले सेंटेंस में बोथ के बाद नॉट का प्रयोग नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं भैया जिनके बाद नॉट नहीं आ सकता, जिनमें पहले से ही नॉट का भाव होता है, जैसे डिनाई हो गया, फॉरबिड हो गया जिसका अर्थ है मना करना, अनलेस हो गया, लेस्ट हो गया, टू हो गया, कभी कभी अंटिल हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे ऐसे वर्ड है भैया जिनके बाद प्राय प्राय नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा सी फॉरबिड मी नॉट टू एंटर ए, सी फॉरबिड मी नॉट टू एंटर द रूम। उसने मुझे रूम में एंटर करने से मना कर दिया बेटा, सी फॉरबिड मी नॉट टू एंटर द रूम। बताओ जरा क्या गड़बड़ है, फटाफट से देखिए, समझिए और चीजों को बताइए फटाफट से। बताइए फटाफट से, तब तक मैं एक एग्जांपल और लिख लेता हूं आपके लिए। He didn't deny that he was a not present at the scene of the crime. He didn't deny that he was not present at the scene of the crime. देखो वो इस बात से इनकार नहीं कर रहा था कि वो भैया उस अपराध वाली जगह पर उपस्थित था, इस बात से उसने कभी इनकार नहीं किया। क्या करोगे बच्चे, सी फॉरबिड मी नॉट टू एंटर द रूम, फॉरबिड का मतलब मना करना होता है, नॉट का भाव आ गया, इसलिए इसके बाद नॉट टू नहीं लिखेंगे, सी फॉरबिड मी टू एंटर द रूम। Is it clear? Next देखो जरा, he didn't deny that he was not present at the scene of the crime. तो बच्चे कुछ बच्चे ऐसे confused हो जाते हैं, deny के साथ not नहीं आता तो ये वाला not हटा देते हैं, ठीक है ना, deny के बाद not नहीं आता ये ध्यान रखना जरा। तो he didn't deny that he was present at the scene of the crime, वो इस बात से deny नहीं करता, इनकार नहीं करता कि वो crime वाले scene पर है, present था या फिर उपस्थित था। तो ये अपना अगला concept है। कुछ और words ले लेता हूँ आपके लिए जो ऑलरेडी आप जानते हो कि भैया ये नेगेटिव होते हैं तो इनके साथ भी नॉट का प्रयोग नहीं करना है। ले लेता हूं आपके लिए एडवर्ब, बिल्कुल खत्म होने के सेक्शन पे, एक एडवर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों में इन्वर्जन होता है, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट बच रहा है जो अभी निपटा देते हैं इसके तुरंत बाद। देखो ये आपके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं भैया, hardly, scarcely, nothing, never, seldom, barely, few, little, all are negative words. ये सारे के सारे बच्चे negative words होते हैं और ये सारे के सारे negative word हैं, तो इनके बाद कभी भी भैया आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैं कहूं he doesn't know hardly anyone in this city, ये लो जी बताओ जरा क्या गड़बड़ है और सेंटेंस को कैसे सुधारोगे। He doesn't know hardly, नहीं भैया, he
doesn't know anyone in this city, या फिर he hardly knows anyone in this city, इस तरह से लिखना पड़ेगा सेंटेंस को, या तो ऐसे लिखेंगे he knows a hardly anyone in this city, इस तरह से लिखेंगे सेंटेंस को करेक्ट करके। ध्यान रखना हार्डली के साथ कभी भी नॉट नहीं आएगा, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हार्डली वाले सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जरा ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। जरा देखिए, ये इस एडवर्ब का एक और महत्वपूर्ण पहलू रह जाता है, अगर किसी भी एडवर्ब को सेंटेंस के शुरू में रखा जाए और वो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई नहीं करती है तो फिर उसके साथ इन्वर्जन का प्रयोग होता है। अगर आप चाहें तो मेरा एक और वीडियो जो पूरी तरह इन्वर्जन पे बेस्ड है, इन्वर्जन कॉन्सेप्ट लिखना नेट पर या इन्वर्जन कॉन्सेप्ट बाय एमएल चौधरी लिखना, आपको दिख जाएगा वहां से, वहां आपको इन्वर्जन है, वो लगभग 45 या 50 मिनट का वीडियो है, वो केवल इन्वर्जन पर है और वहां वो मिल जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि वो जरूर देख लें। आओ जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, एक एडवर्ब है आपकी सेल्डम है और नेवर, एक आपकी है सेल्डम है इफ एवर, ये दो है भैया। सेल्डम इफ एवर का मतलब होता है शायद ही कभी, और इसका मतलब भी होता है शायद ही कभी, इसमें नहीं का भाव छुपा हुआ रहता है, यानी ये हमेशा किसी भी चीज के न होने को बताता है, नेगेटिव मीनिंग देता है, जबकि ये पॉजिटिव मीनिंग देता है, ये कभी भी किसी भी चीज के होने को बताता है। अब भैया चीजों को बड़े ही प्यार से समझिए, किस तरह से देखना। सबसे पहले तो इसको याद कैसे रखा जाए कि सेल्डम के बाद और लगा दिया जाए तो नेवर आएगा या एवर आएगा, वो जरा ध्यान से देखिए। ये आपका फैन बॉयज का हिस्सा है, फैन बॉयज आपके कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं भैया, फैन बॉयज बोले तो फॉर एंड, फॉर एंड नाइदर बट और यट एंड सो, ये सारे के सारे बच्चे आपके कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं और ये बराबर की रेंज की चीजों को जोड़ते हैं, यानी सेल्डम एक नेगेटिव वर्ड है तो इसके बाद लिखा वर्ड भी नेगेटिव होगा। तो क्या लिखेंगे बच्चे, सेल्डम और एवर नहीं जबकि सेल्डम और नेवर लिखेंगे। वैसे ही अगर मैं पूछूं भैया लिटिल और नथिंग लिखा जाता है या लिटिल और एनीथिंग लिखा जाता है, तो आप फटाफट से जान भी लेंगे, समझ भी लेंगे और बता भी देंगे। बताइए जरा फटाफट से क्या लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे जी बच्चे। लिटिल आपका निहायती नेगेटिव वर्ड है तो इसके बाद भी नेगेटिव वर्ड लिखेंगे तो लिटिल और नथिंग लिखेंगे। वैसे ही अगर आपको लिखना है तो लिटिल इफ एनीथिंग लिखो, ये दोनों कंपैरिजन करने के बाद आपको कभी भी भूलोगे नहीं। आप जरा ध्यान से फिर से देख लीजिए, और आपका एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, बराबर की चीजों को जोड़ेगा, इधर नेगेटिव है तो उधर भी नेगेटिव जाएगा, तो सेल्डम और नेवर, लिटिल और नथिंग। ठीक है, अब बचे हुए हो गए सेल्डम इफ एवर और लिटिल इफ एनीथिंग। पहली तो ये चीज हुई कि इसको याद कैसे रखा जाए। ठीक है, तो ये तो आपको यहां से तैयार हुआ, दो फ्रेज तैयार होगी, लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग, सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर। तो सबसे पहले तो आप जहां भी देखो तो इस एडवर्ब में सबसे पहले ये मिला लेना कि और के बाद एवर आया है कि नेवर आया है, इफ के बाद एवर आया है या फिर नेवर लिख दिया गया है। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है, जैसे पहले तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने लिखा ही सेल्डम है और एवर है ड्राइव जे ए कार, चलो बड़ा ही सिंपल है, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं इसको इस तरह से बना दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इस सेंटेंस को बहुत आराम से कर बैठेंगे, आप हुक्म कह लेंगे कि अगर ये सेंटेंस आपका इस तरह से आया है सर, तो फिर या तो सेल्डम इफ एवर लगाइए इसको या फिर नेवर लगा लीजिए, दोनों में से कोई सी भी गड़बड़ करो, पार्ट बी में ही एरर होना है बच्चे।
तो यहां आपको दिक्कत नहीं आती है जब ये एक ही ऑप्शन में आ जाते हैं दोनों। 90% इवन 99% एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस में ये एक ही पार्ट में रखा गया है, इसलिए यहां एरर होने की संभावना काफी कम रह जाती है। लेकिन मैं तो वो टीचर हूं बच्चे जो एक्सेप्शंस पढ़ाने आता हूं, मैं तो उस एक नंबर के लिए पढ़ता हूं, जो बाकी टीचर्स छोड़ देते हैं मैं तो उस कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता हूं। तो आइए जरा बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की कि कैसे पहचानेंगे उसको। देखो जरा पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए टीचर ए ही सेल्डम ए और ए एवर ए मैक्स ए मिस्टेक। ये लो बच्चे धर्म संकट मैंने आपके लिए तैयार कर दिया, फटाफट से आंसर दीजिए। इस बार आपके पास दोनों रास्ते खुले हैं, आप में से कुछ सिद्ध पुरुष हैं वो ये कहेंगे कि इंग्लिश है वो लेफ्ट टू राइट चलती है सर, इसलिए और को नहीं एवर को बदलेंगे और सी पार्ट में एरर हो जाएगी। ऐसे ऋषि मुनि भी हुआ करते हैं कुछ लोग जो परम ज्ञान को प्राप्त रहते हैं, और ऐसे परम ज्ञान वाले हैं वो अपने हिसाब से इंग्लिश को चलाते हैं। चलो बीइंग ए टीचर ही सेल्डम और एवर मेक्स ए मिस्टेक, बताओ जरा क्या करोगे, बी पार्ट में एरर करोगे या सी पार्ट में एरर करोगे, बता दीजिए फटाफट से। चलो एक एग्जांपल और लिख देता हूं बच्चे में, डेस्पाइट बीइंग ए लर्नर, डेस्पाइट बीइंग ए लर्नर ही सेल्डम ए इफ ए सेम रखते हैं सेल्डम और ए एवर ए मेक्स ए मिस्टेक। चलो बच्चे सभी सिद्ध पुरुष परम ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान दे भैया, क्या करेंगे कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? चलो आइए जरा एक बार फिर से, इसका अर्थ है शायद ही कभी नहीं करता है और कभी कभार ही करता है, शायद ही कभी करता है, ये नेगेटिव मीनिंग है, बिल्कुल कभी गलती नहीं करेगा ये करेगा। तो देखो भैया बीइंग ए टीचर, टीचर है भैया पहले ही लिख दिया, टीचर है भैया, टीचर है तो वो नहीं करेगा गलतियां, करेगा या नहीं करेगा बेटा जी, नहीं करेगा, और नहीं करेगा यानी सेंटेंस को नेगेटिव मोड देना है, कभी भी गलती नहीं करेगा, नेगेटिव मोड देना है। तो यहां नेवर एवर के स्थान पर किसका प्रयोग होगा बच्चे, नेवर का, तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी भैया, सी पार्ट में। लेकिन ये कह रहा है डिस्पाइट बीइंग ए लर्नर, एक नौसिखिया होने के बावजूद भी वो कभी कभार ही गलतियां करता है, कभी कभार अगर गलतियां नहीं करेगा तो वो नौसिखिया थोड़ी कहलाएगा भैया, वो तो एक्सपर्ट हो जाएगा, यानी ये कभी कभी गलतियां करता है। पूरी तरह से सेंटेंस को नेगेटिव नहीं रखना है, पूरी तरह से सेंटेंस को नेगेटिव नहीं रखना है, तो फिर आप पॉजिटिव मीनिंग के लिए क्या लेके आएंगे भैया, सेल्डम है इफ एवर मेक्स ए मिस्टेक। इस बार एवर किस पार्ट में हो जाएगी भैया, बी पार्ट में। तो देख लीजिए बच्चे ये है कुछ सेल्डम और है नेवर का गणित, ठीक है। चलो मैंने कहा आई हैव ए लिटिल और ए एनीथिंग ए टू से अबाउट इट, मेरे पास इसके बारे में कहने के लिए भैया कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये हो गया, बताओ जरा क्या गड़बड़ है।
आराम से पहचान पा रहे होंगे आई हैव लिटिल और एनीथिंग टू से अबाउट इट. क्या लिख दोगे? आई हैव लिटिल और ए, लिटिल के साथ और जुड़ा हुआ है तो भैया फिर क्या लिखेंगे? नथिंग. कहने को मेरे पास कुछ भी नहीं है इसके लिए. तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था. यहीं से सेल्डम और नेवर से ही मैं बात को आगे बढ़ाता हूं और फिर मैं आपको ले चलता हूं उस कॉन्सेप्ट पे जहां आपको मैंने कहा था कि अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हो जाती है आपकी किसके साथ है? एक एडवर्ब के साथ, तो उस सेंटेंस में इन्वर्जन का प्रयोग होगा. आइए बच्चे पहले समझते हैं ये इन्वर्जन होता क्या है और उसके बाद वन बाय वन उन एडवर्ब्स की बात करते हैं जिनसे अगर वाक्य की शुरुआत हो जाए तो उस वाक्य में एडवर्ब का प्रयोग होता है. कोई भी एडवर्ब हो अगर वो सेंटेंस के शुरू में आ जाए और पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई नहीं करती है तो फिर उसके साथ एडवर्ब का प्रयोग होकर ही रहेगा. आइए जरा बात करते हैं उस इन्वर्जन के कॉन्सेप्ट की. पहले होता क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन उसको देखते हैं जरा. देखो बच्चे मैंने लिखा ही नेवर मेक्स ए मिस्टेक. मैंने लिख दिया कि बच्चा कभी गलती करता ही नहीं है. कोई परम ज्ञान को प्राप्त ऋषि मुनि है और ये बच्चा तो कभी गलती करता ही नहीं है. बताओ जरा सेंटेंस सही है या गलत है और इसमें एडवर्ब को पहचानिए एडवर्ब कौन सा है. हाँ बच्चे देखो आप कहोगे सर ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है नेवर. जी मैंने भी सही पहचाना है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है नेवर. बिल्कुल कांटे की बात है. लेकिन अगर मैं इस नेवर शब्द को उठाकर सेंटेंस के शुरू में रख देता हूं, फिर कह रहा हूं इस नेवर को मैं उठाऊं और अगर सेंटेंस के शुरू में रख दूं तो फिर सेंटेंस में इन्वर्जन का प्रयोग होगा. यानी मैं कह रहा हूं बाय डिफॉल्ट अगर किसी भी एडवर्ब को अगर सेंटेंस के शुरू में रख दे तो उसके साथ इन्वर्जन का प्रयोग होगा. अब ये इन्वर्जन बीमारी क्या है उसको समझिए जरा. देखो अपना कंसेप्ट ये रहता है कि पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट बच्चे. लेकिन अगर किसी दिन ऐसा हो कि अपन उल्टा कर दें, देखो वर्ड इन्वर्जन आया है इनवर्ड से जिसका मतलब होता है उल्टा करना. यानी बुजुर्गों के बने बनाए कॉन्सेप्ट को कुछ ऋषि मुनि उलट देते हैं तो उसको क्या कह देंगे? इन्वर्जन. तो अगर मैंने यहां कोई एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में यूज किया और इस हेल्पिंग वर्ब को उठाया और सब्जेक्ट से पहले रख लिया तो ये आपका है इन्वर्जन. क्या कहा बच्चे मैंने इसको? इन्वर्जन. अच्छा अगर कई बार मैं ऐसा कर दूं कि एडवर्ब अगर शुरू में है तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब और सब्जेक्ट को इससे भी आगे टिका दूं तो ये भी इन्वर्जन है बच्चे. ये दोनों ही इन्वर्जन है बच्चे. लेकिन अपने प्रैक्टिकल ग्रामर में केवल यही वाला इन्वर्जन किया जाता है. सही तो बेटा दोनों ही इन्वर्जन रहते हैं. इसमें पूरी वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से पहले नहीं रखा गया है इसलिए इसको पार्शियल इन्वर्जन कहते हैं बेटा. और यहां पूरी की पूरी वर्ब को उठाकर रख दिया गया है तो यह हो गया आपका कंप्लीट इन्वर्जन. लेकिन एग्जाम की दृष्टि से पार्शियल इन्वर्जन ही महत्वपूर्ण है और एग्जामिनेशन में पार्शियल इन्वर्जन ही पूछा जाता है. आइए जरा अब अपन इस सेंटेंस को नेवर से स्टार्ट करते हैं और मैं उसको आपको पार्शियल इन्वर्जन कर दिखाता हूं. देखो जरा नेवर इसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी तो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब निकालो. डू और डज, ही के साथ डज, नेवर डज और डज आ गया तो मेक्स नहीं मेक ए मिस्टेक. इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है दोनों का मतलब एक ही होता है. लेकिन जो बात यहां से सीखी वो ये कि अगर किसी भी एडवर्ब को उठाएं और सेंटेंस के शुरू में रख दें तो फिर सेंटेंस में किसका प्रयोग होगा भैया? इन्वर्जन का प्रयोग होगा बच्चे. और आप देख रहे हैं सेंटेंस में आपको देखने को मिल रहा है इन्वर्जन. ठीक है लेकिन क्या ये एडवर्ब इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रही है? आप कहोगे जी नहीं सर. अगर ये इस प्रकार से पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करे, ये सेंटेंस कुछ ऐसा हो अनफॉर्चुनेटली द थीप
वॉज ए नॉट कॉट, ये सेंटेंस अगर इस तरह का हो कि दुर्भाग्य से चोर को पकड़ा नहीं जा सका, तो बच्चे इस बार ये जो अनफॉर्चुनेटली आया है ये एक्चुअली पूरे के पूरे सेंटेंस को दुर्भाग्य से क्या, दुर्भाग्य से चोर नहीं पकड़ा गया, कभी नहीं, कभी नहीं क्या, कभी नहीं, इसको जोड़ो ऐसे, कभी नहीं भाई गलती नहीं करता, नहीं बैठ रहा ना, इसको देखो दुर्भाग्य से, रुक जाइए कोमा लगाइए, चोर नहीं पकड़ा गया, पूरा का पूरा सेंटेंस इस तरह से, कभी नहीं वह गलती करता है, ऐसे बोला जा सकता है क्या, नहीं ना। तो अगर ये पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करे तो फिर इन्वर्जन नहीं करना है, अदरवाइज कभी भी किसी भी एडवर्ब को अगर सेंटेंस के शुरू में रख दिया जाए तो वहां से किसका प्रयोग होगा बच्चे, इन्वर्जन का। मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं और उसके बाद आपको बताता हूं कि किस तरह से ये इन्वर्जन आपके प्रयुक्त होता है और कौन कौन से वो शब्द है जिनका आपको एग्जामिनेशन में ध्यान रखना है। अगर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ना है इन्वर्जन का तो मैंने आपके लिए कहा है कि आप चले जाइए एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको लिंक में भी डाल दूंगा, इन्वर्जन कॉन्सेप्ट मेरा एक वीडियो है नेट पर, वो वीडियो देख लीजिए, उसमें पूरा इन्वर्जन को एक्सप्लेन किया गया है, लगभग 50 मिनट का वो वीडियो है। आओ जरा मैंने लिखा ये वर्ड्स है जिनका आप ध्यान रखेंगे भैया, नो सूनर से स्टार्ट हो गया, ओनली से स्टार्ट हो गया है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस से स्टार्ट हो गया है, सो प्लस एडजेक्टिव से स्टार्ट हो गया है आपका, हार्डली से स्टार्ट हो गया है कोई भी सेंटेंस, स्कार्सली से शुरू हो गया है आपका कोई भी सेंटेंस, आपका कोई सेंटेंस फ्यू से स्टार्ट हो गया है, लिटिल से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इन सभी में आप किसका प्रयोग करेंगे बच्चे, इन्वर्जन का प्रयोग करेंगे जी। कुछ और अभी अभी अपन ने देखे सेल्डम वर्ड था, नेवर वर्ड था, इनसे किसी भी वर्ड से अगर आप स्टार्ट कर देते हैं किसी भी सेंटेंस को तो उसमें हमेशा ही इन्वर्जन का प्रयोग होगा, ये आप देख के रख लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा नो सूनर ए द टीचर ए एंटर्ड द क्लासरूम ए देन ए All the students stood up. सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं वो खड़े हो गए। फटाफट से देखिए और बताइए मुझे क्या एरर देखने को मिल रही है सेंटेंस में। फटाफट से सेंटेंस को देखते रहिए और एरर्स बताते रहिए भैया। ढूंढिए फटाफट एरर्स ढूंढिए। Only yesterday he got the job. कोई भी एडवर्ब हो भैया अगर आपकी सेंटेंस में आ जाती है तो फिर इन्वर्जन का प्रयोग होकर ही रहेगा। देखो बच्चे आपने सेंटेंस की स्टार्ट अगर नो सूनर से की है तो फिर इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन होगा यानी इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी बच्चे, और तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी तो इस पास्ट सिंपल में से हेल्पिंग वर्ब निकालो भैया, पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो क्या लिखेंगे बच्चे, नो सूनर है Did the teacher enter? इस अंदाज में लिखना पड़ेगा भैया। No sooner did the teacher enter. Next, no way you can get my permission. अगर स्टार्ट हो गया सेंटेंस का नो या नॉट से भैया, भले ही हो गया हो नाइदर से, भले हो गया सो से, तो भी उसमें इन्वर्जन होगा। जैसे No way you can get my permission. तो क्या लिखेंगे इसको सही करके? No way you can get नहीं भैया, इस can के जगह कहाँ होगी? इस you से पहले. Sentence कुछ इस तरह से होगा. No way can you get my permission. यानी किसी भी तरीके से तुम मेरी permission है हासिल नहीं कर सकते. तो no way can you get a
my permission. इस तरह से होगा sentence आपका incorrect है. Next, only yesterday he got the job. उसको कल ही job मिली है भैया. तो इस sentence की शुरुआत only से हो रही है और only एक adverb है. तो इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा. Only yesterday did he, अब got की जगह get हो जाएगा, get the job. इस तरह से अगर आपको किसी भी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से होती हुई मिल जाए तो फिर आप प्रयोग कर लेना उसमें किसका भैया, इन्वर्जन का. ठीक है, मैं यहाँ वीडियो की लेंथ लंबी नहीं करूंगा इन्वर्जन पढ़ा के. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इन्वर्जन का एक सेपरेट पूरा वीडियो पढ़ा है मेरा इंटरनेट पे, जो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में. वहां से आप इन्वर्जन के कॉन्सेप्ट को भली भांति पढ़ लीजिए. तो इस तरह से आपका जो एडवर्ब है उसका बेसिक सेक्शन है वो पूरा होता है. कुछ बच्चे जो नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए एडवर्ब थोड़ा सा अलग ढंग से और पढ़ाना होगा, वो भी मैं पढ़ाऊंगा. अब आपको यहाँ इस पार्ट पे बेस्ड एक एरर बेस्ड एक्सरसाइज मिलेगी और उसके बाद पूरे एडवर्ब से रिलेटेड लगभग 150 क्वेश्चंस का एक्सरसाइज मिलेगा. तो देखते रहिए एस ट्यूटोरियल्स. मैं एमएल